हेलो पेरेंट्स, आज हम बच्चों को बहुत ही प्लेफुल वे से अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। आज मैं लाई हूँ ए और बी बच्चों को सिखाने के लिए। आप ऐसे ए बना सकते हैं, ड्राइंग में बना सकते हैं, प्लस आप कुछ फिगर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एप्पल बनाया है और एरो बनाया है। ये एरो और एप्पल बच्चे कलर करेंगे। कलर करके मैंने ये जो एक्टिविटी लाई है उसमें फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा। तो देखिए, अभी वो कलर करना शुरू कर दी है और इसी ने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े फाड़े हैं और उसको रोल किया है। तो जब बच्चे रोल करते हैं पेपर को फाइन एकदम राउंड राउंड में, छोटे छोटे में, छोटे छोटे बॉल्स में, तो क्या होता है, उनके जो फिंगर्स वाले मसल होते हैं वो डेवलप होते हैं। दे डेवलप द फिंगर मसल्स एंड दैट इज़ कॉल्ड द फाइन मोटर स्किल। सो इनके फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं ये चीज़ करने में। ये कलरिंग जो कर रही है, इससे वो कलरिंग रिकॉग्निशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब हो रहा है। जब वो कलर कर रही है तो आप देख सकते हैं कलर बाहर नहीं आ रहे हैं और वो बहुत ही एंजॉय करते हैं। वो देखते हैं अल्फ़ाबेट को, बार बार वो अल्फ़ाबेट को देखते हैं और जो आपने बनाया है ए फॉर एप्पल, वो बार बार देखते हैं तो उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ए फॉर एप्पल। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी ने बॉल्स बनाया है, थोड़े बहुत ढंग से बॉल्स नहीं बनाया है तो मैंने उनको शेप में डाला है। अब मैं बॉल्स को ग्लू के हेल्प से इसमें चिपकाऊंगी और यही चिपकाएगी, आप यही स्टिक करेगी। मैंने फेविकॉल लिया है और वो थोड़े थोड़े फेविकॉल लेके पूरे एप्पल में वो स्टिक करेगी। सो ये एक्टिविटी उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो देखिएगा कि वो बाहर नहीं चिपकाएगी, वो एप्पल के अंदर ही चिपकाएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए। ये तो एंगेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है, टीवी से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है, बट बच्चे इससे बहुत अच्छी तरीके से सीख भी जाते हैं। कभी कभी क्या होती है ना, उनके हाथ में लग जाते हैं तो दे बिकम वेरी फजी। ओके, सो फिर भी शी एन्जॉय डूइंग द एक्टिविटी। को ये सजेशन दूंगी कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से, बहुत ही प्लेफुल तरीके से, जो बच्चे दो से ढाई साल के बच्चे हैं उनको बहुत ही प्लेफुल तरीके से एक्टिविटी करा के अल्फाबेट रिकॉग्निशन सिखा सकते हैं। तो इसमें ये एप्पल और एरो में कलर की है, तो बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी शी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ, ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एरो होता है। ये अल्फाबेट ए पे भी स्टिक कर रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही पतली लाइन है फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से, मैंने उसमें फेविकॉल लगा दिया है, बस उसको प्लेस करना है। तो मैं जब उनको उसको बोल रही हूँ कि आप प्लेस करो, तो वो प्लेस करके उसको दबाती है। बच्चे वैसे ही करेंगे, उसको दबाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसके हाथ में लग जाएंगे। उनको नहीं ये समझ में आ रहा है कि फेविकॉल लगा हुआ है और जस्ट वो चिट्स को, जो कि फोल्डेड चिट्स हैं, उनको बस प्लेस करना है। सो शी एन्जॉयड अ लॉट डूइंग दिस एक्टिविटी एंड शी वॉन्टेड मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। इस तरह से आप बच्चों को ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंकर ड्रॉ करके फिगर्स में सिखा सकते हैं और वो कलर करके और उसमें स्टिक करेगी ये जो उसने पेपर से बॉल्स बनाए हैं, स्टिक करके एंजॉय करेगी। ये पेपर से बॉल उनको खुद बनाने दीजिए ताकि उनके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे। इसने ये वाले जो पेपर से बॉल्स ही इसने खुद बनाए हैं, मैंने उससे थोड़ा बहुत हेल्प किया है। उनके बॉल्स बहुत अच्छी तरीके से छोटे नहीं होते हैं तो मैंने उनको बहुत हेल्प किया है करने में। सो देखिए, ये पूरा हो चुका है एंड Now she will do B. ये B for banana and B for ball. ये कलर कर रही है। मैंने
येलो भी इसलिए किया है ताकि बी फॉर बनाना है, सो बनाना येलो कलर का होता है, और बलून, बी फॉर बॉटल, बी फॉर बस बना के बच्चों को दे सकते हैं और वे और वो बहुत एंजॉय करेंगे कलर करने में। ये कलरिंग कर चुकी है, अब उसमें वो बॉल्स, पेपर बॉल्स चिपका रही है, तो पेपर बॉल्स चिपकाने में ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद भी ये सी और डी भी करना चाहती है, मतलब ये और ज़्यादा एक्टिविटी करना चाहती है, तो मैं डिफरेंट तरीके से सी और डी सिखाऊंगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो शी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट ए एंड बी। ट्रेस करवा सकते हैं फिंगर से, जब आप बॉल्स नहीं चिपकाए हों उसके पहले आप फिंगर से इसको ट्रेस करवा दीजिए, ताकि वो क्लियर हो जाए कि ए और बी कैसे लिखते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ए एंड बी विद द पेपर मॉडल। ओके, ऐसे आप अपने बच्चों को एंजॉयबल तरीके से ए और बी सिखा सकते हैं। ओके, ए फॉर व्हाट? एप्पल। एंड व्हाट इज दिस? एप्पल। बी फॉर व्हाट? बॉल। एंड व्हाट इज दिस? बनाना। ओके, थैंक यू।